खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से, जहां पर फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर वसूली करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। खाद्य विभाग के फर्जी इंस्पेक्टर बनकर वसूली करने वाले चार युवकों को संदेह होने पर व्यापारियों ने पकड़ लिया। मामले की सूचना खाद्य एवं विपणन अधिकारी को दिया। उन्होंने युवकों से संबंधित जानकारी न होने की बात कही। इसके बाद व्यापारियों ने पुलिस को बुलाकर आरोपी को उनके हवाले कर दिया। पुलिस पकड़े गए युवकों से पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि श्रावस्ती जनपद के एकौना बाजार में गुरुवार को चार युवक खाद्य सुरक्षा विभाग का कर्मचारी बनकर पहुंचे और व्यापारियों से अपने दुकान का लाइसेंस बनवाने की बात कहने लगे। लाइसेंस के एवज में युवक हर दुकानदार से 800 रुपये वसूल रहे थे। व्यापारियों ने इसकी जानकारी व्यापार मंडल अध्यक्ष कन्हैया कशोधन को दी। इस पर मौके पर पहुंचकर कन्हैया कशोधन ने युवकों से पूछताछ की। इसके बाद संदेह होने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। संपर्क करने पर अधिकारियों ने जानकारी दी कि विभाग की ओर से ना तो कोई अभियान चलाया जा रहा है और ना ही मेरे कर्मचारी गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कन्हैया कशोधन ने एकौना पुलिस को सूचना देकर चारों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। वही तहरीर देकर मामले की जांच करने की मांग की है। कन्हैया कशोधन ने बताया कि युवकों के पास बरामद आईडी कार्ड फर्जी लग रहा है। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान कर ली गई है। युवक अपने को एक एनजीओ में काम करना बता रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अरे होटल चला था तो अरे और का अच्छा तो ये लोग आए क्या कहे तुमसे लेते बनवाने के 800 रुपए क्या बताए ये दो बात समझ बना हुआ है तो फिर वो दूसरा है ये दूसरा बनेगा। आ जाए तो फिर आधार कार्ड लाइए फोटो लाइए उसके बाद में 800 रुपया लाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंद कुमार है। कहाँ रहते हैं? आई कुछ है